निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शहरी गौठानों को संचालित करने वाली महिलाएं अब फूलों से साबुन भी बना रही है और इस साबुन की मांग लोगों में बढ़ती जा रही है। निगम क्षेत्र में शहरी गौठानों को संचालित करने वाली महिलाएं इसके पूर्व गोधन से कई वस्तुओं का निर्माण कर चुकी हैं और अब निगम भिलाई द्वारा इन्हें फूलों से साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, जो काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। यह महिलाएं मंदिरों से आए फूलों को काटकर सुखाती हैं और उसके बाद इसमें अन्य पदार्थ मिलाकर साबुन का रूप दे रही हैं। बहुत जल्द यह साबुन लोगों के उपयोग के लिए बाजारों में उपलब्ध होगा। फिलहाल निगम के अधिकारियों ने इन साबुनों का इस्तेमाल किया है और वह कहते हैं कि यह बेहतर से बेहतर है। यह महिलाएं सिर्फ साबुन ही नहीं बल्कि फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश के साथ डिटर्जेंट पाउडर भी बना रही हैं। शहरी गौठानों में बने इन सभी उत्पादों को बहुत जल्द भिलाई क्षेत्र के बाजारों में पाया जाएगा। इसके लिए निगम भिलाई द्वारा इन महिलाओं को सी मार्ट बाजार बना कर दिया जा रहा है, जहां से इन उत्पादों का विक्रय किया जाएगा एवं भिलाई शहर के अलावा अन्य शहरों और प्रदेशों में भी इसका निर्यात किया जा सकेगा। निगम भिलाई के उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने इसकी जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई है। यहाँ पे गोठान, शहरी गोठान में कई समूह हमारे काम कर रहे हैं और कई महिलाएं अपना स्वरोजगार अपना के नाम से उत्पाद कर रहे हैं। कुछ लोग अगरबत्ती बना रहे हैं, आपने देखा होगा अगरबत्ती बना रहे हैं, माया गायत्री समूह के ये साबुन बना रही हैं और साबुन जो मंदिरों से जो फूलों को जो चढ़ाने के बाद जो फूल होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और उससे फूल बना रहे हैं। गेंदे का देखिए आप, ये गेंदे का है, ये उसका रोज का है, इतना बढ़िया इन्होंने बनाया। पियर्स साबुन जैसे दिख रहा है, बिल्कुल पारदर्शी है और अभी ये कल ही इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है और सफाई से करेंगे और जैसे ये पैकेजिंग का इनका काम हुआ ख़त्म, तो ये सी मार्ट हमारा जो बनने वाला है वो सी मार्ट में इनके जितने उत्पाद हैं वो वहाँ भी उपलब्ध होंगे, मार्केट में भी उपलब्ध रहेंगे और अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है इनकी और ये लोग खुद अपने आप में स्वरोजगार के रूप में ये काम कर रहे हैं। प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा महिलाओं को संबल प्रदान करने हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन्हीं का क्रियान्वयन करते हुए नगरपालिक निगम भिलाई अपने क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में लगातार अग्रसर करता जा रहा है, जिससे महिलाएं अपने परिवार में आर्थिक रूप से भी मदद कर पा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।